वेलकम टू बीपीएससी मेकर। आज के इस वीडियो में आपका करंट अफेयर्स का टेस्ट होने वाला है। आपने जनवरी 2021 से मार्च 2021 तक कितने करंट अफेयर्स के प्रश्न पढ़े हैं ये मायने नहीं रखता है, आपको कितना याद है ये मायने रखता है। तो इसका आकलन इस वीडियो में हो जाएगा। आप रेगुलर हमें देखते आए हैं तो आज के इस वीडियो में जनवरी 2021 से लेकर के मार्च 2021 तक के कुछ प्रश्न यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि आपके करंट अफेयर्स का आकलन करेगा कि आपकी तैयारी करंट अफेयर्स के पक्ष में कैसी है। तो आप इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। ये वीडियो आपको मैं बता दूँ कि बिहार के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हमारा चैनल उपयोगी है। हमारे चैनल पर जितने वीडियो आते हैं सभी वीडियो को देखिए, और इस वीडियो में एक तरह से समझिए कि आपका एग्जाम है, ठीक है। ये एग्जाम में 10 प्रश्न आपका करंट अफेयर्स का आया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कट ऑफ रखा गया है, 10 प्रश्न है इस वीडियो में, तो कट ऑफ है इसका 7। यानी कि अगर आप 7 नंबर यहाँ पे लगाते हैं, प्रत्येक जो क्वेश्चन है 10 में से 10 क्वेश्चन जो है ये आपका 1 मार्क्स का है, तो पूरा जो मार्क्स है यहाँ पे फुल मार्क्स जो है ये है 10, तो और इसका पासिंग मार्क्स जो है ये है 7। यानी कि आपको इस 10 में से 7 प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो पे आते हैं। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 कानून पारित करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है। ये सभी प्रश्न मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये जो कानून है जिसका नाम है सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021, तो ये कानून पारित करने वाला बिहार जो है ये भारत का तीसरा राज्य बना है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सभी लोग अपने प्रश्न का मतलब मिलान करते जाइए और आंसर को काउंट करते जाइए। तो इस प्रकार से ये तीसरा राज्य बना है। अगर वहीं पे पहले राज्य की बात किया जाए तो इस कानून को पास करने वाला पहला राज्य था पश्चिम बंगाल और दूसरा राज्य था उड़ीसा। ये दोनों राज्यों में ये कानून ऑलरेडी लागू हो चुका है। और ये जो कानून लाया गया है इससे बिहार को क्या फायदा होगा, ये ध्यान देने वाली बात है। तो बिहार को इससे ये फायदा होगा कि जो बोधगया मंदिर है और दरभंगा एयरपोर्ट है और जो भी मतलब कि विशेष तरह का संस्थान है उसको मतलब इससे सुरक्षा मिलेगा, ठीक है। और जिन स्थलों पर बिहार सशस्त्र पुलिस को तैनात किया जाएगा वहां पर किसी तरह की आपराधिक घटना होने या फिर अपराधियों को किसी प्रकार की मतलब कोई पकड़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस चीज को लेकर के बिहार पुलिस विधेयक 2021 कानून पारित किया गया है, जो कि ऐसा करने वाला भारत का ये तीसरा राज्य बना है, ये ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार की 15वीं आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का कौन सा जिला सबसे अंतिम स्थान पर है। अभी हाल ही में 15वीं आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया गया और इसमें मतलब इसके अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का कौन सा जिला सबसे अंतिम स्थान पर है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा शिवहर जिला। शिवहर जिला में प्रति व्यक्ति आय जो है ये बिहार में जिलों की श्रेणी में सबसे कम है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि राजधानी पटना में जो है ये मतलब कि सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है, ये ध्यान रखिएगा। राजधानी पटना यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में है। तो पटना में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है बिहार में। मैं सिर्फ बिहार की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, भारत की बात नहीं कर रहा हूँ। बिहार में मतलब सभी जिलों की श्रेणी में पटना जिला मतलब प्रति व्यक्ति आय में प्रथम स्थान पर है, जबकि शिवहर जिला सबसे नीचे है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पे। सभी को एकदम से काउंट करते जाइए। तीसरा प्रश्न है कि 7 निश्चय योजना 2 के तहत बिहार के कितने लाख शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। ये घोषणा भी हाल ही में किया गया था, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। हालांकि इस वीडियो में जितने प्रश्न हैं सभी प्रश्न आपको बताए हुए प्रश्न हैं, तो आप लोगों ने अगर ध्यानपूर्वक सभी प्रश्नों को पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप लोगों को याद होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि 7 निश्चय योजना 2 के तहत बिहार के कितने लाख शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये जो योजना था मतलब ये योजना है ये 1 लाख गरीब परिवारों, यानी कि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है शहरी गरीबों की, यहाँ पर बात किया जा रहा है ग्रामीण गरीबों की नहीं, शहरी गरीबों को मतलब कि 1 लाख आवास उपलब्ध कराए जाने का घोषणा किया गया था 7 निश्चय योजना 2 के तहत, यानी द्वितीय चरण के दौरान। और इसमें क्या है कि जिसको जो भी मतलब बेघर है, जो भी भूमिहीन है, उसको मतलब एक बहुमंजिला मकान में मतलब कि ये घर देने का मतलब ये योजना है। तो ये बिहार सरकार के द्वारा भी हाल ही में ये योजना तैयार किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर था। उसके बाद यहाँ पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में 14 फरवरी 2021 को बिहार के किस जिले का 251वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो 14 फरवरी 2021 को किस जिले का 251वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्णिया जिले का 251वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है 14 फरवरी। यहाँ ध्यान देने वाली बात है 14 फरवरी 1770 को पूर्णिया जिला का गठन हुआ था और यहाँ के जो प्रथम जिलाधिकारी थे जॉर्ज डकरेल थे, ये ध्यान दीजिएगा जॉर्ज डकरेल यहाँ के प्रथम जिलाधिकारी थे, ये ध्यान देने वाली बात है। इसका स्थापना जो भी थी ये 14 फरवरी 1770 को हुई थी और अभी हाल ही में 2021 में इसका 251वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और 14 फरवरी को भी मतलब 14 फरवरी को ही वैलेंटाइन डे भी मनाया जाता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में आप लोगों को तो पता ही होगा कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे होता है, आपको यहाँ पे ध्यान रखने की क्या जरूरत है। चलिए पाँचवा नंबर प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है।
तो पांचवा नंबर प्रश्न है इसका जो राइट आंसर होगा, महिला दिवस प्रत्येक वर्ष जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। ध्यान दीजिएगा 13 फरवरी को ये प्रत्येक वर्ष महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो ये जो है स्वतंत्रता सेनानी क्या कहते हैं सरोजनी नायडू, हाँ स्वतंत्रता सेनानी सरोजनी नायडू की जयंती को लेकर के प्रत्येक वर्ष महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये ध्यान देने वाली बात है 13 फरवरी को ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ये प्रश्न मैं आपको ऑलरेडी डिटेल में बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में COVID-19 योद्धा स्मारक के निर्माण का निर्णय लिया है? तो अभी हाल ही में निर्णय लिया गया था COVID-19 योद्धा स्मारक के निर्माण का, ये जो निर्णय लिया गया है ये उड़ीसा सरकार के द्वारा लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। वर्तमान में उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं ये नवीन पटनायक हैं और इन्होंने ही घोषणा किया था कि मतलब कि कोविड जो संक्रमण है मतलब इसके दौरान मतलब ये जो महामारी का काल चल रहा है इसमें अगर कोई मतलब योद्धा कोविड योद्धा जो अगर संक्रमित होता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी मतलब याद में एक स्मारक मतलब बनाया जाएगा और उस पर उसका नाम भी मतलब दर्ज होगा। तो ये अभी घोषणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा किया गया था। ध्यान देने वाली बात है। और उड़ीसा की जो राजधानी है ये है भुवनेश्वर, ये भी बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी ग्लोबल, यहाँ पे दो बार ग्लोबल लिखा गया, हाल ही में जारी ग्लोबल इंटरनेट स्पीड में भारत की रैंक क्या है? तो हाल ही में जारी ग्लोबल इंटरनेट स्पीड में भारत की जो रैंक है ये है 129, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, 129वें स्थान पर है भारत। उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। आठवां नंबर प्रश्न है हाल ही में मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड्स नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो पुस्तक लिखा गया है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वामन सुभा प्रभु, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ एक प्रश्न, मनोहर पर्रिकर अभी वर्तमान में मतलब वर्तमान नहीं बल्कि मतलब किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं ये आपको बताना है। मनोहर पर्रिकर किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो वामन प्रभु सुभा प्रभु के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा निम्नलिखित में से किस शहर से शुरू की गई है? तो भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा जो शुरू की गई है ये चंडीगढ़ से शुरू की गई है। ध्यान देने वाली बात है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। पहली एयर टैक्सी चंडीगढ़ से हिसार के लिए शुरू की गई है, जो कि ये ध्यान रखिएगा ये पहली एयर टैक्सी है, ठीक है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसकी शुरुआत जो हुई है ये 14 जनवरी 2021 से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो में जो प्रश्न है जनवरी से लेकर के मार्च तक है मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे मिक्स तरह के प्रश्न है। अब उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में यहाँ पे देखिए निम्नलिखित गलत लिखा गया है, तो हाल ही में निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच द्विपक्षीय वायु सैन्य अभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट 2 हुआ है? एक्स डेजर्ट नाइट 2 संपन्न हुआ है, किस दो देशों के बीच ये द्विपक्षीय वायु सैन्य अभ्यास है? तो ये जो भी संपन्न हुआ है ये भारत और फ्रांस के बीच संपन्न हुआ है, इसका नाम है अभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट 2। ये ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर 10 प्रश्न इस वीडियो में थे, ये एक तरह से जनवरी से लेकर के मार्च माह तक के करंट अफेयर्स का आपका टेस्ट था। जो भी हमें रेगुलर फॉलो करते हैं डेली चैनल पे करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड होता है, जो भी हमें रेगुलर फॉलो करते हैं या फिर जो हमारा पेड मेंबरशिप लिए हुए हैं सभी लोगों से अनुरोध है कि हमारे चैनल पर जितने वीडियो अपलोड होते हैं सभी को देखिए। और रही बात इस वीडियो के प्रश्न की, तो यहाँ पर 10 प्रश्न थे, आपने यहाँ पर कितने प्रश्न सॉल्व किए हैं कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने 10 में से 7 या उससे अधिक प्रश्न सॉल्व किए हैं तो अपने बारे में यहाँ पर जरूर बताइए। आप चाहें तो हमें कुछ राय भी दे सकते हैं, और भी मतलब अगर करंट अफेयर्स का टेस्ट इसी प्रकार से चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, और भी एक मतलब कि टेस्ट आता रहेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और रही बात यहाँ पर टेस्ट सीरीज की, तो दो एग्जाम के लिए, एक तो हो गया कि आपका एक सेकेंड, ये आपका हो गया 66th BPSC एग्जाम के लिए, 66th BPSC और BPSC CDPO के लिए, ये दो एग्जाम के लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज चला जा रहा है। अगर आप ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप वहाँ पर जाइए उस पर मैसेज कीजिए, और ध्यान रहे मैसेज करते समय आप pre-21 जरूर लिखिएगा, pre-21 लिख के मैसेज कीजिए, आपको इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। और यहाँ पे इसका जो फ़ी है ये 399 है, ध्यान दीजिएगा इसका जो फ़ी है ये 399 है, जो कि एक वर्ष के लिए है। और यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, बिहार जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस तरह की चीज़ें आपको मतलब प्री एग्जाम के लिए जो भी उपयोगी चीज़ें होती है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो हमें मैसेज जरूर कीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।